फिल्म रिलीज की अभी सिर्फ और सिर्फ बात हुई है कि 13 अक्टूबर 2021 को आने वाली है RRR, जहां पे आज के दिन रोर ऑफ RRR जो है सामने आया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताई है बात। अब दोस्तों, SS राजामौली साहब की इस फिल्म ने आज के दिन बना दिया एक महारिकॉर्ड। सोशल मीडिया पे इस फिल्म की जो चर्चा हो रही है, जिस तरीके से हैशटैग चल रहे हैं, उन्हें सुनेंगे आप तो सचमुच में आप जो है खुशी से झूम उठेंगे। स्वागत है आपका फीफा फूज में, आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल खोज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। RRR की अगर बात की जाए तो RRR वो फिल्म होने वाली है जो कि बाहुबली के डायरेक्टर लेकर आ रहे हैं, यानी कि SS राजामौली। और बाहुबली के बाद ये फिल्म आ रही है दोस्तों, तो एक्सपेक्टेशंस तो अपने आप ऊपर और हाई हो गई। अब दोस्तों, इस फिल्म की अगर बात की जाए तो इस फिल्म की एक मेकिंग रिलीज हुई है और इस मेकिंग ने सचमुच में हम सबके होश उड़ा दिए हैं। चाहे वो राजामौली साहब का बेहतरीन डायरेक्शन नज़र आ रहा हो, या फिर रामचरण जी नज़र आ रहे हो, या फिर जूनियर NTR साहब, अजय देवगन, आलिया भट्ट और बाकी के और कैरेक्टर्स, सारे ही मामलों में एस्पेक्ट पे ये फिल्म जो है A1 होने वाली है। और अभी से मैं लिख कर दे रहा हूँ कि ये जो है सुपर डुपर हिट जाएगी, ब्लॉकबस्टर बम्पर फाड़ हो जाएगी, और तब तक जब तक सिनेमाघर नॉर्मल होंगे यानी कि 13 तारीख तक तो हो ही जाएंगे। अब इस वक्त जिस वक्त में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आपको बनाना चाहता हूँ कि RRR के बहुत सारे हैशटैग सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहे हैं। नंबर 1 पे तो रोर ऑफ RRR हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 3 पर RRR मूवी हो रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों नंबर 7 पर सीता राजा रामू राव, ये जो है जिसमें कि अपने क्या कहते हैं रामचरण जी ने जो कैरेक्टर निभाया वो हो रहा है। फिर उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ तो जय NTR हो रहा है 13वीं पोजीशन पे। वहीं उसके बाद जो है दोस्तों और भी हो रहे हैं, जैसे कि वहीं कोमरामम भीम NTR ये हो रहा है। सो बेसिकली जूनियर NTR साहब और रामचरण जी दोनों मिलकर जो धमाल मचा रहे हैं, फिल्म अभी से ही सुपर डुपर हिट है। आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताएं।